आइए आज हम जानते हैं कुम्हार और उनके व्यवसाय के बारे में, उनकी समस्याओं के बारे में। जिस प्रकार से इनको बार बार उजाड़ा जा रहा है, ये एक चिंता का विषय है। परंपरागत व्यवसाय करने वाले ये कुम्हार आखिर जाएं तो जाएं कहाँ? यहाँ आए दो दिन पहले, बता गए कि आप तोड़ फोड़ करना है, आप सबका सामान हटा के ले जाओ। हमको नोटिस तक नहीं दिया, तोड़ फोड़ कर दिया। आपने नगर निगम में बात की? नगर निगम में गए थे, तो अभी हटाने का मौका नहीं दे रहे हैं। यहाँ जगह बन नहीं देंगे, आपका गंदा जाए आप ले जाओ, बल्कि अपना सामान उठा के ले जाइए, जगह भी दे रहे हैं। निगम हटा रहा है भाई, उनका जगह है, हमको जगह नहीं दे रहे हैं। अच्छा, 25 साल हो गए बैठे यहाँ। आपका धंधा कैसे चलेगा? कैसे चलेगा, सब भूख मरेंगे। यही हमको दो पैसा कमा लेते थे खाते, हमारा खेती ना बारी ना घर ना दुआ। तो आप क्या चाहते हैं? हम तो जगह दिया जाए, पैसा उठा उठा के माल लिए, आधा एक एक ठेला माल फूट गए, नुकसान हो गया। अभी हमको यहाँ से भगा रहे हो, अब कहाँ जाए बताओ। आज जब इन गरीब कुम्हारों को मैं उजड़ता हुआ देखता हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है। मैं हमेशा ही घड़े के पानी का इस्तेमाल करता हूँ, जिससे किसी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्या नहीं होती है। और इसको इस्तेमाल करने की एक और वजह है, ये इको फ्रेंडली भी है। मैं ये चाहता हूँ कि लोग इन घड़ों का इस्तेमाल करें, ताकि पीढ़ियों दर पीढ़ी चलने वाला ये परंपरागत व्यवसाय जारी रहे। परंपरागत व्यवसाय करने वाले इन कुम्हारों के सामने अब समस्या है कि अब आगे क्या करें, आखिर घर परिवार कैसे चलेगा। जब उनको यहाँ पर अपना मिट्टी का सामान, मिट्टी के बर्तन बेचने नहीं दिए जाएंगे तो आगे क्या होगा? सवाल अनसुलझे अधूरे हैं और इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है। रायपुर, छत्तीसगढ़ से मैं सरवत नकवी, इंडिया अनहर्ड के लिए।